पुणी ड्रागनर दादागिरी दादागिरी छड़ाइले भारतीय जवान सिक्किम सीमार अनुप्रवेश उद्यम पंड तड़ाखाई पछक फेरला चीन रेना अढ़ई मस अंतर पुणी बसला बैठक एथर बैठक में दुई देशर वैदेशिक मंत्रालय नवम थरपाई पुणी दुई देश तरफर पदक्षेप पूर्व लद्दाखे भारत चीन सेना भितर संघर्ष लगि रही गत तीन दिन आगरु सिक्किम सीमार सृष्टि उत्तेजना चीन रा सैनिक माने सिक्किम रा नाकुला अंचल रे बलपूर्वक प्रवेश करने को चेष्टा करुथिबा बेले भारतीय सेना माने सेमानकु विरोध करितिले ओ सीमारु बाहर करितिले। एही संघर्ष रे 4 जण भारतीय सेना ओ 20 जण चीन सेना आहत होइछंती। एही संघर्ष परे दुई सेना कमांडर को पक्षरु बैठक होइछि। सीमा विवाद को नै चालितबा द्वंद मध्यरे भारत एवं चीन रा सामरिक कमांडर को मध्यरे प्राय 2.5 मास रो व्यवधान परे रविवार दिन नवम राउंड बैठक अनुष्ठित हो तेबे एहाकु नै दुई देश मध्यरे बारंबार बैठक होइतिले आज पर्यंत कौनसी सुफल मिली पारिनाई। उभय देशर 50,000 सैनिक पूर्व लद्दाख में अवस्थापित होइचंती। सूचना अनुसार नवम राउंड बैठक में बुझामणार मूल उद्देश्य हेउची पूर्व बैठक में सहमति भित्तिर आगकु बढ़िबा और दुई देश निज सैन्य को सीमारु प्रत्याहार करिबा। जब गुत्थम गुत्थी हुई हैंड टू हैंड फाइट हुआ तो 4-20 हमारे 4 घायल चीन के 20 घायल, ये दिखाता है हमारे इंडियन ट्रुप्स की वीरता। रेशियो है 1:5, मतलब एक जवान 5 पीएलए ट्रुप्स के लिए काफी है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि मैं इस व्यवहार का, चीन की तरफ से जो व्यवहार है उसको इस तरह से देखता हूँ कि चीन बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, निराश हो रहा है, आक्रोश में आ रहा है, एग्रेसिव मोड में आ रहा है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि जिस तरह से हम पेंगोंग सो के दक्षिणी दिशा पे माउंटेन टॉप, ब्लैक टॉप, गुरुंग हिल, रचांगला, रचिनला पे बैठे हुए हैं और इस माउंटेन टॉप से हम चीन के मोल्डो गैरिसन को बाई ऑब्जर्वेशन एंड बाई फायर डोमिनेट कर रहे हैं, ये चीन के लिए चिंता का विषय है। दूसरी चीन का चिंता का विषय है कि चीन ने कभी नहीं सोचा था कि इतना दिन अंगद की तरह हिंदुस्तान की सेना पांव दबा देगी। और मेरा ख्याल है जब तक चीन अपने नियत को नहीं सुधारेगा, विस्तारवाद की नीति का त्याग नहीं करेगा और हिंदुस्तान को सम्मान के दृष्टि से नहीं देखेगा, हमारे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को सम्मान नहीं करेगा, तब तक स्थिति में सुधार नहीं आएगा। सेना सूत्रों प्रकाश दे चीन रो सीमा रे थीबा मोल्डो ठारे रविवार सकाळ 10:00 एही आलोचना आरंभ होई विलंबित रात्रि पर्यंत चालीथिला। पूर्व बैठक में सैन्य प्रत्याहार विषय आलोचना करा एवं ब्लू प्रिंट प्रस्तुत करा तथा तो अष्टम राउंड बैठक पर कौनसी सकारात्मक फलाफल मिल पारिनथिला। गत कालीर नवम राउंड बैठक 2.5 मास समय व्यवधान पर होइछि। रविवार बैठक में दुई देशर वैदेशिक मंत्रालय अधिकारी माने मध्य उपस्थित थिले। प्रत्येक बैठक में स्थितावस्था बजाय रखिबाकु भारतर दाबी को मानिबा को प्रतिश्रुति देउतिले भी चीन ताहा कार्यकारी करूनाही। सेतिपई सीमा रे लगातार उत्तेजना लागी रहिछि। तेबे एही बैठकर निष्पत्ति चीन कार्यकारी करिवो कि पूर्ण तार हीन साम्राज्यवादी कार्यकलाप जारी रखिवो ताहा आगामी समय रे जणा पड़िवो। तेबे सीमार सबु परिस्थितिर जवाब देबा पई सजग अछि भारतीय सेना। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।